सो दोस्तों, कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए, आपके जो पुराने जो चल रहा है सिस्टम, उसको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। आपके पास्ट में जो आप करते थे या कर रहे हो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको बाज की कहानी पता हो तो बाज क्या करता है भाई, उसकी उम्र जो होती है वो 70 से 80 साल होती है, पर उसके लिए उसको एक बहुत ही तगड़ा तप करना पड़ता है। जब वो 40 साल का हो जाता है, अपने बुढ़ापे के टाइम पे आ जाता है, उसकी जो चोंच है वो मुड़ जाती है और उसकी जो चोंच है वो सॉफ्ट हो जाती है, वो शिकार नहीं कर पाता। उसके पंख जो हैं वो भारी हो जाते हैं, उड़ नहीं पाता। उसकी चमड़ी जो है वो इकट्ठी सिकुड़ने शुरू हो जाती है, वो उससे दर्द में रहता है। तो उसके लिए उसको 2-3 महीने का तप करना पड़ता है। वो बिना भूखा प्यासा, बिना खाए पिए रहता है। उसे पहाड़ों में या सबसे सेफ पॉइंट जो भी लगता है, वो वहाँ जाके अपनी चोंच को तोड़ता है सबसे पहले, ताकि नई चोंच आ सके। अपने सारे जो पंख हैं उनको निकालता है खुद, और तड़प तड़प के रहता है, अपनी चमड़ी निकालता है ताकि नई चमड़ी आ सके। किसके लिए? सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में अपना एक नया जीवन दान लेने के लिए। अदरवाइज उसकी मृत्यु वो वहीं हो जाती है, अगर कोई बाज ऐसा नहीं करता है तो इसके लिए इससे हमें यही सीख मिलती है कि भाई, ये पुरानी खाल आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आपके जीवन में अड़चने हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके लिए आपको ये निकालना ही पड़ेगा, तभी आपको एक नया जीवन दान मिलेगा।